हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, फोन फिक्स हैदराबाद में आपको हर बार कुछ ना कुछ एक नया टूल दिखाते हैं या तो फिर एक नया सोल्यूशन लेकर आते हैं जो मार्केट में आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आइक्सून का एक नया डीसी पावर सप्लाई आ चुका है मार्केट में, और इसमें क्या डिफरेंस है इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं। और अभी तक आप जो डीसी पावर सप्लाई यूज कर रहे थे, कोराड का डीसी पावर सप्लाई, सनशाइन का आप यूज कर रहे थे होंगे, दोनों में अगर आप देखेंगे कंपैरिजन तो 5 एम्पियर और 30 वोल्ट का ही आपको उसमें ऑप्शन दिया गया है। मेमोरीज की बात करें तो दोनों में 4-4 मेमोरीज है, यानी अगर आप कभी 4 वोल्ट यूज करना चाहते हैं, कभी 2 वोल्ट यूज करना चाहते हैं, कभी 1 वोल्ट यूज करना चाहते हैं, या कभी 3.5, 3.3, इस तरीके से आप अलग अलग सेट कर सकते हैं। इसी डीसी मशीन को हम एज ए शॉर्ट किलर भी यूज कर सकते हैं, कई बार वीडियोस हमने बताया है। इसी डीसी मशीन से आप डेड मोबाइल की भी पता कर सकते हैं कि मोबाइल कहां से प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग है, लीकेज है, फुल शॉट है, या ईएमसी का प्रॉब्लम है, रैम को प्रॉब्लम है, या यूएफएस को प्रॉब्लम है। अगर आपके पास इसकी प्रॉपर नॉलेज होगी तभी आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज फुल शॉट में तो आपको पता ही है वीबैट लाइन में शॉर्टिंग हो जाती है तो आपको सीधा डायरेक्टली फुल एम्पियर ले लेता है 5 एम्पियर, और आपका यहाँ पे बीप का साउंड भी आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आइजोन का एक इंटेलिजेंट और ये एक डीसी मशीन है जिसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले है और बहुत कुछ इसके अंदर है। ये एक शॉर्ट किलर जैसा भी काम करता है फास्ट चार्जिंग के लिए, क्यूसी क्विक चार्जिंग और पीडी पावर डिलीवर, यानी पीडी एंड क्यूसी दोनों का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। क्विक चार्जिंग जो है क्वालकॉम जो ब्रांड है, क्वालकॉम जो कंपनी है, उसने क्विक चार्जिंग की आईसियां उन्होंने काफी सारे मोबाइल्स में डाली है, जैसे एसएमबी आती है, बहुत सारे क्विक चार्जिंग के लिए यूज किए जाते हैं। जैसा आप मॉसफेट का इस्तेमाल करके भी क्विक चार्जिंग बनाई जा रही है, दो दो चार्जिंग एसी, 3 चार्जिंग एसी बना करके क्विक चार्जिंग का यहाँ पे सर्किट आपको दिया जा रहा है, जिसको हम क्विक चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, टर्बो चार्जिंग भी हम जैसे कहते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली अगर आप देखेंगे अभी तक जो मोबाइल थे वो 4 वोल्ट और 5 एम्पियर से ऑन हो रहे थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट के मोबाइल आ रहे हैं जो यूएफएस चिपसेट है 5G के हैंडसेट में, अगर आप देखोगे तो 8 से 9 वोल्ट आपको वहां पे देना होगा। जब आप बैटरी में चेक करोगे तो 5000 मिली एम्पियर भी वहां पे मिलेगा आपको देखने को, वहां पे 6000 मिली एम्पियर भी आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये नई डीसी मशीन पे इनसे डिफरेंस क्या है? जैसे अभी तक आप 5 एम्पियर 30 वोल्ट यहां पे होता था इसमें, तो इस वाली आइजोन की डीसी मशीन में आपको 32 वोल्ट के साथ 8 एम्पियर इसने दिया है। मतलब लेटेस्ट मोबाइल भी अगर आप चाहो तो 8 एम्पियर तक इस डीसी से आप उसको दे सकते हैं, बट इसमें जो एम्पियर था 5 एम्पियर ही था। इससे पहले का जो डीसी मशीन था उसमें 2 एम्पियर था, तो 2 के बाद में फिर 5 एम्पियर वाला डीसी आ गया, और 5 के बाद में फिर अभी आ गया है 8 एम्पियर वाला। इससे पहले हमने 10 एम्पियर का भी ओवन का डीसी मशीन का वीडियो ऑलरेडी डाला है, नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाकर देखिए। अगर 10 एम्पियर तक अगर आपको चाहिए तो भी आप यूज कर सकते हैं, वो डीसी मशीन ले सकते हैं। तो इसमें कुछ अलग से है, जैसा कि हमने बताया इसमें शॉर्ट किलर भी है, चार्जिंग के लिए 3-3, 4-4 पोर्ट दिया है, एंड्रॉइड के लिए अलग दिया है, आईफोन के लिए अलग दिया है। तो चलिए इसकी सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, उसके बाद ऑन करके मैं आपको बताऊंगा। अगर टाइम मिला, अगर वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो एक शॉर्ट किलर से इसको कैसा यूज किया जाता है शॉर्ट किलर, और शॉर्टिंग कैसे हटा सकते हैं, ये भी लाइव इस वीडियो में मैं करके बताऊंगा। वीडियो स्किप मत करिए, पूरा देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। और ये जो हमने मंगाया है रामराज टूल के पास से मंगाया है, अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उनका भी नंबर दे दूंगा, एमपी भोपाल में रामराज टूल के नाम से उनसे ले सकते हैं। बहुत सारे डीलर से बेचते हैं, रेडिक्स मलिक हो गए, या फिर आपका मिदास हो गया, या फिर प्रिंस पार्क फिक्सिड है, या ललित इसरानी है, या फिर आपका बीएसटी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टूल्स बेचते हैं जो कि जेन्युइन प्रोडक्ट देते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए इसको सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका मेन डीसी पावर सप्लाई हमारा, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये एक पावर केबल आपको मिलेगा इसमें, यहाँ पे बाजू रख देता हूं मैं। इसके साथ क्रोकोडाइल प्रोब मिलेंगे रेड और ब्लैक, जो कि डीसी के लिए हम यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इस तरह के काफी सारे आपको सामने के चिप मिलेंगे जो कि बोर्ड टाइप होते हैं, जो कि हम इसमें यहाँ पे आपको लगवाना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको सोल्डर करना होगा, मतलब इसमें लिखा होगा आपको वायर का कलर है, जैसा कि रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येल्लो, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, या फिर व्हाइट हो गया, यहाँ पर यही सारे कलर्स के साथ वायर है, तो इनको यहाँ पे आपको सोल्डर करना है। और यहाँ पे इसका देख सकते हैं काफी सारे एंड्रॉइड के भी इन्होंने दिए हैं, और काफी सारे आईफोन के भी इन्होंने यहाँ पर इस तरह के सामने के आपको, जैसा बैटरी के ऊपर आपका पत्ता लगा होता है उस तरीके के काफी सारे पत्ते इन्होंने दिए हैं,
एंड्रॉयड और आईफोन के लिए। अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली जो हमारा एंड्रॉयड का पावर बूट केबल होता है वो वाला मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, ये भी लेकर के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह का मैकेनिक का आता है, सनशाइन का आता है और भी बहुत सारे कंपनी के, ये एंड्रॉयड ये हमारा बूट केबल है। ऐसे आपको आई बूट और एंड्रॉयड यानी आईफोन और एंड्रॉयड दोनों भी मिल जाते हैं इसमें। तो ये तो हो गया एंड्रॉयड का। तो सबसे पहले हम इसमें से हमारा निकाल लेते हैं डीसी पावर सप्लाई। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये डीसी पावर सप्लाई। अब ये ऑन करने के लिए इसको पावर देना होगा। पावर देने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं बैक साइड में हमको यहाँ पर एक इस तरह का पावर केबल दिया है इन्होंने। तो ये देख सकते हैं इस केबल को आपको इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना है। तो ये दो तरीके से ऑन होगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पे टाइप सी का भी ऑप्शन दिया है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप सी चार्जर लगाओगे तो भी ऑन होगा, अगर आप चाहे तो इस तरह का केबल भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम देखते हैं इसको ऑन करके। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे इसको ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पावर केबल लगा लिया है। तो सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइट यहाँ पे जल चुकी है और बैक साइड में यहाँ पर एग्जॉस्ट के लिए एक फैन दिया है। अगर ये हीट होता है तो यहाँ से ये पीसीबी को अंदर कूल करेगा, अंदर की हीटिंग को बाहर फेंकेगा। और यहाँ पे बैक साइड में अगर हम देखेंगे फ्रंट साइड में तो यहाँ पे इसका सारा मॉडल का नंबर वगैरह लिखा हुआ है P3208, देख सकते हैं ये चाइनीज ब्रांड है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 32 वोल्ट और 8 एम्पियर यहाँ पे दे दिया है इसने, ठीक है। तो इनपुट सप्लाई इसको 110 से 220 वोल्ट देगी, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जो कि हमारे एसी में होती है, और फास्ट चार्जिंग यानी QC और PD, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे दिया है, पावर डिलीवर और QC दोनों भी इसमें है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले जैसे आप ऑन करेंगे तो चाइनीज में खुलेगा ये। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में आना है। तो ये जो आपको दिख रहा है आपको इस तरीके से इसको रोटेट करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आगे बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये पीछे जाएगा। तो आप किधर से भी आ सकते हैं। अब ये सेटिंग का यहाँ पे दो फ्लावर दिख रहे हैं आपको जो कि एंड्रॉयड में आते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे चाइनीज में है और यहाँ पे इंग्लिश में। तो एक बार इसको प्रेस कर देंगे और एक बार प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये इंग्लिश में आ चुका है। तो यहाँ पे काफी सारे सेटिंग्स है जिसका आपको जाकर कुछ भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको इस तरीके से घुमाते जाएंगे तो ये सेट होने के बाद अब देख सकते हैं नीचे आएगा साउंड आपको कम ज्यादा करना है या स्लीप मोड की टाइमिंग डालना है या जो भी है एडजस्टमेंट करना है तो कर सकते, या फिर आपको इसका वेबसाइट पे जाना है तो ये बारकोड स्कैन करके जा सकते हैं, या इसको रिस्टोर करना है तो कर सकते हैं। तो हमको रिस्टोर नहीं करना है। तो जैसे ये बैक बटन में एस्केप का बटन जो है इसको बैक बटन समझ के चलिए आप, और सेलेक्ट के लिए ये वाला ऐसे प्रेस करेंगे ना तो ये सेलेक्ट होगा। जैसे ये जैसा मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ और जैसे ये बैक हो गया हूँ तो ये सेलेक्ट बटन है और ये बैक बटन है, ठीक है। और ये वाला इस तरीके से घुमाएंगे तो नेक्स्ट होगा, इस तरीके से घुमाएंगे तो बैक होगा। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन क्या क्या है, सबसे पहले डीसी आउट, मतलब यहाँ पे अगर आपको सारे आपको वोल्टेजेस चेक करना है कितना एम्पियर ले रहा है क्या है। तो यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एनालॉग मल्टीमीटर जैसा भी आ गया है। और यहाँ नीचे अगर आप देखोगे तो वोल्टेज और एम्पियर, मतलब इसमें दोनों एक साथ भी अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर कर्व में देखना चाहते हैं यानी फ्रिक्वेंसी साइकिल ड्यूटी साइकिल कैसे ले रहा है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज में आपको एम्पियर चेंज करने के लिए मिल जाएगा। कर्व में आपको जैसे आप मोबाइल ऑन हो रहा है आपका या फिर आप चार्जिंग पे लगाए हो तो उसको कर्व में देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये वोल्टेज के लिए ऑप्शन है। तो यहाँ पे वोल्टेज सेट करने के लिए यहाँ पे सेटिंग लिखी हुई है जो कि 4.2 वोल्टेज है, जो कि हमने M1 M2 और M3, मतलब यहाँ पे तीन मेमोरी का ऑप्शन है, मतलब तीन अलग अलग तरीके के वोल्टेज आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। जैसे आपको 4.2 रखना है तो यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे 2.8 वोल्टेज सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप 1.0 वोल्टेज सेट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टिंग वगैरह के लिए भी देखना है तो ये वाले सारे मेमोरीज को आप यूज कर सकते हैं। ये वोल्टेज सेट करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं 4.2 है, अगर कम करना है या ज्यादा करना है तो ये ब्लैक वाला बटन को एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे कलर हो गया ग्रीन। अब जैसे ये नेक्स्ट करेंगे ये देख सकते हैं 4 वोल्ट 4.4 4.5 5 वोल्ट, जरा स्पीड भी कर सकते हैं आप इस तरीके से, मतलब आप 32 वोल्टेज तक जा सकते हैं। लेकिन मोबाइल में हमको 32 वोल्टेज तक जाना नहीं है, आपको 5 से 9 वोल्ट के बीच में ही आपको रखना है। तो यहाँ पे आप इसको नीचे आ जाएंगे, 4.2 यहाँ पे हम सेट कर देंगे इसमें। और यहाँ पे एम्पियर, अब एम्पियर कितना सेट करना है तो एम्पियर के लिए एक और बार दबाएंगे तो अब एम्पियर का ग्रीन हो गया है कलर। तो यहाँ पे 2.3 एम्पियर है तो मुझे एम्पियर बढ़ाना है,
मुझे 5 एम्पियर मिनिमम रखना होता है मोबाइल को ऑन करने के लिए। देख सकते हैं लास्ट एम्पियर इसमें मैं 8 एम्पियर तक आ गया है। देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ लेकिन ये बढ़ेगा नहीं क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही है 8 एम्पियर। तो मुझे 8 एम्पियर नहीं रखना है, मुझे अभी 5 एम्पियर से ही मोबाइल को ऑन करना है। तो यहाँ पे मैं 5 एम्पियर सेट कर दिया हूँ, ये हमारा अभी सेट हो गया है। यहाँ पर 5 एम्पियर में हमने सेट कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब आप मोबाइल को ऑन करोगे तो ऊपर 4 वोल्ट दिख जाएगा आपका, ये देखिए आउटपुट में मैंने डाला है। अगर इसको बंद कर देंगे तो मोबाइल आपका ऑन नहीं होगा। तो ये इनेबल डिसेबल सेटिंग है, ये जब तक ग्रीन बटन रहेगा तभी आपका यहाँ से मोबाइल आप ऑन कर सकते हैं, वोल्टेज आपका आउटपुट होगा, अदरवाइज ये आउटपुट यहाँ से मैंने बंद कर दिया है। तो आउटपुट में डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, 4.2 वोल्टेज हमने यहाँ जो सेट किया हो गया है। नीचे यहाँ पे एम्पियर शो नहीं करेगा। जब मोबाइल आप इस तरीके के बोर्ड केबल के साथ आप मोबाइल को ऑन करेंगे तभी मोबाइल हमारा ऑन होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है तो यहाँ पे येलो वाला प्रोब लगा लेंगे, यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ पे हम इसका ग्रीन कलर का वायर, ब्लैक कलर का वायर लगा लेंगे। ये देख सकते हैं इसमें लाइट भी आ चुकी है हमारी और इससे आप कहीं भी मोबाइल ऑन कर सकते हैं। इसके जो है इसके साथ भी इस तरह का बूट केबल दिया है इन्होंने, उसमें आपको काफी सारे वायर हैं, अगर आप चाहे तो उसको आयरन से जंपर करके आप काम चला सकते हैं। और ये क्रोकोडाइल प्रोब भी दिए ये लोग, तो ये तो हम यूज नहीं करते हैं। और भी इस तरह के वायर इन्होंने दी है देख सकते हैं, इसको आपको पहले जंपर करना पड़ेगा, तो जंपर करने के भी आप काम चला सकते हैं। और इस तरह के इन्होंने नीचे से इस तरीके के इन्होंने इस केबल दिए हैं बूट केबल, तो काफी सारे इन्होंने आपको दिए हैं पीसीबी में, तो इसको आप इसके साथ फोल्ड करके आयरन से काम चला सकते हैं। तो फिलहाल तो हम इसी बूट केबल से काम चला लेंगे क्योंकि हमारे पास ये रेडी है। अब यहाँ पे देखेंगे ये iOS के लिए है और ये है हमारा एंड्रॉइड के लिए, तो एंड्रॉइड के लिए है ये, आईफोन के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे PD एंड QC, QC का मतलब होता है क्विक चार्जिंग और PD का मतलब होता है पावर डिलीवर। तो उसमें दो तरह का दिया है, एक टाइप सी और एक है नॉर्मल USB। तो ये तो हो गया हमारा DC पावर सप्लाई जैसा। अगर आपको चार्जिंग के लिए यूज करना है, चार्जिंग के लिए यूज करना है तो आप बजाएंगे बैक इस बटन से और यहां से आ जाएंगे इस PD एंड QC वाले ऑप्शन में। अब जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ से आपको कोई भी एक डिजाइन आप ले सकते हैं, इसी तरीके से दोनों भी देख सकते हैं। जैसा यहाँ से टाइप सी का दिख जाएगा आपको और यहाँ पे आपको ये नीचे जो हमारा नॉर्मल USB केबल है क्विक चार्जिंग का ये वाला दिख जाएगा। तो हम दोनों भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए हम एक केबल ले लेंगे। सबसे पहले ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स एक केबल मैं ले रहा हूँ, ये एक तरीके का केबल है मेरे पास और एक है ओरिजिनल टाइप। तो इसमें भी बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी यहाँ पे इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको हमारा ओरिजिनल वाला केबल लगा लिया हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं चार्जर के लिए यहाँ पे जैसे ही इन करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए 9 वोल्ट तक यहाँ पे जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्विक चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, देख सकते हैं 9 वोल्ट तक चला गया ये। तो ये क्विक चार्जिंग यहाँ पे लेगा, 9 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है और एम्पियर जो ले रहा है ये 2.4 एम्पियर, मतलब 2.5 एम्पियर के आसपास ले रहा है। और वाट अगर देखेंगे 21.66 वाट यहाँ पे 23 के आसपास यहाँ पे ये पावर ले रहा है, मतलब वाट ले रहा है। तो 9 यहाँ पे वोल्टेज शो रहा है क्योंकि क्विक चार्जिंग में आपको ऑलवेज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9 वोल्टेज शो होगा। अगर फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके के केबल को बदल देते हैं, देखिए मैं अभी इस केबल को यहाँ से निकाल देता हूँ, ये वाला हटा रहा हूँ और मैं एक दूसरा केबल लगा रहा हूँ जो कि हमारा नॉर्मल चार्जिंग केबल होता है, ये देख सकते हैं। तो जैसे मैं अब इसको लगाऊंगा तो देखिए आप फोन वही है मेरे पास, चार्जर सिर्फ वायर मैंने बदला है और यहाँ पे आप देखो चार्जिंग भी ले रहा है, बट यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल चार्जिंग लेगा इसमें क्योंकि अभी 1.5 मिली एम्पियर, मतलब 1.5 एम्पियर के आसपास ले रहा है, लेकिन यहाँ वोल्टेज अभी भी 5 ही वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट में यहाँ पे बता रहा है। तो फ्रेंड्स केबल का भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो केबल भी आप रखेंगे तो ओरिजिनल केबल रखिए, इस तरीके का केबल रखिए जो कि ओरिजिनल केबल आता है। अगर आप इससे करेंगे तो देखिए चार्जिंग तो ले रहा है बट फास्ट चार्जिंग नहीं ले रहा है। तो एक बार फिर से मैं केबल चेंज कर रहा हूं, ये वाला हटा देते हैं और हम वापस से एक ओरिजिनल केबल लगा के चेक करते हैं। इसके बाद मैं टाइप सी वाला केबल में भी आपको बताऊंगा। तो ये देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे लगा दिया तो चार्जिंग वापस से ले रहा है और यहाँ पे 5 से जाकर के फिर से वही 2.5 एम्पियर और 9 वोल्ट के आसपास यहाँ पे ले गए। तो ये मशीन में आपको DC के साथ साथ हमारा जो चार्जिंग का स्कीमेटिक पोर्ट होता है उसका भी ये काम कर रहा है, तो अलग से आपको डिवाइसेस लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक आप
इस तरीके के चार्जिंग पोर्ट भी ले रहे थे होंगे इस तरीके का, तो ये अगर ना लेके आप ये एक डीसी भी लेना चाह रहे तो ये दोनों का काम कर देगा, तो इसका भी काम ये कर देगा। एक तो हो गया ये वाला चार्जर के साथ। अगर अब मैं टाइप सी की अगर बात करूं तो टाइप सी में भी आपको यही वाला ऑप्शन है। तो ये देख सकते हैं मेरे पास टाइप सी टू टाइप सी का यहाँ पे केबल है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसको। और अभी तक हम देख रहे थे इस वाले ऑप्शन में, यूएसबी वाले ऑप्शन में, अभी जो शो करेगा ये इस तरफ टाइप सी की तरफ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही चार्जर लगाऊंगा तो अब एक बार इधर लगा के चेक करते हैं कितना वोल्टेज ले रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही नॉर्मल सा 5 वोल्ट अभी इसमें ले रहा है, मैंने फोन चेंज किया। एक और फोन टाइप सी का लगाते हैं फास्ट चार्जिंग का जिसमें होगा, तो एक बार ये वाले फोन में देखते हैं कितना ले रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखिए 5 वोल्ट यहाँ पे ले रहा है और 2 एम्पियर के आसपास, 9 वोल्ट अभी देख सकते हैं, 9 वोल्ट ये ले चुका है। मतलब के इसमें भी फास्ट चार्जिंग शो होगा अगर आप ऊपर टाइप सी में लगाओ या फिर नीचे लगाओ, 9 वोल्ट इसमें भी ले रहा है, देख सकते हैं 29% है। तो बहुत फास्ट चार्जिंग होगी क्योंकि 9 वोल्ट के साथ ये 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर के आसपास ये अगर लेगा तो 29% यहाँ पे अभी है। तो स्पीड चार्जिंग होगी इसमें क्योंकि एम्पियर 1.5 ले रहा है, थोड़ा सा ज्यादा एम्पियर भी लेगा तो भी फास्ट चार्जिंग होगी, वोल्टेज तो ओके है। तो ये वाला जो ऑप्शन हम देखें ये पीडी एंड क्यूसी का ऑप्शन है जो कि आपको देखने मिलेगा यहाँ पर 3 नंबर पे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और 3 नंबर पे आप आएंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाले ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। ये तो हो गए चार्जिंग के लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि फर्स्ट हमने डीसी के लिए देखा, ये वाला डीसी के लिए हो गया, और दूसरा वाला जो है ये बूट केबल और बैटरी क्यूसी और बीए बैटरी कैलिब्रेशन, ये आपको यहाँ पे बूट केबल लगा करके यूज करने पड़ेंगे। और ये वाला जो है चार्जिंग के लिए हमने देखा यहाँ पर पीडी और क्यूसी, इसमें आप दोनों देख सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है ग्रीन वाला SCREP, ये हमारा शॉर्ट किलर का ऑप्शन, यहाँ पे आपको शॉर्ट किलर और बिल्कुल लास्ट का अगर आप देखोगे तो ये है सेटिंग जो कि ऑलरेडी हमने गया था। और ये वाला जो देख रहे हैं आप ये डिस्प्ले वगैरह चेंज करने के लिए ऑप्शन है, इसमें स्क्रीन में अगर आप जाओगे तो कौन सा डिस्प्ले आप देखना चाह रहे हो इस तरीके का डिस्प्ले आपका चेंज होगा। जैसे फ्रंट में जो डिस्प्ले है वो आप, जैसा मैं यहाँ iOS पे क्लिक कर दिया यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले का थोड़ा ऑप्शन चेंज हो गया। वापस से जाएंगे उसी में, अगर मैं इसको ले लूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से डिस्प्ले का ऑप्शन चेंज हो गया। तो ऐसा डिस्प्ले आपको अगर से चेंज करना है तो आप चेंज करके यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बच जाती है हमारी एक लास्ट सेटिंग जो कि हमारा है ग्रीन कलर का, जिसको हम शॉर्ट किलर बोलते हैं। इसको अब यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें जाएंगे, यहाँ पे आपको वोल्टेज और एम्पियर सेट करना है। तो यहाँ वोल्टेज सेट करने के लिए ये वी वाला बटन, एम्पियर सेट करने के लिए नेक्स्ट दबाएंगे। तो ग्रीन अगर इधर आ गया तो एम्पियर सेट होगा और ग्रीन कलर यहाँ पे आ गया तो वोल्टेज सेट होगा। अब वोल्टेज आप कितना देना चाह रहे हैं, 5 वोल्ट देना चाह रहे हैं, 6 वोल्ट देना चाह रहे हैं, 32 वोल्ट तक यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो नॉर्मली हम फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1.8 वोल्ट देना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 1.8 इस तरीके से सेट कर लूंगा। अब एम्पियर कितना देना है, 1.8 के साथ 5 एम्पियर तो नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे अगर से 3 एम्पियर देना है तो मैं 3 एम्पियर यहाँ पे सेट कर लूंगा, उसके बाद इसको भी ओके कर दूंगा। अब फ्रेंड यहाँ पे हमारा ये सेट हो चुका है। अगर आप कहीं की शॉर्टिंग निकालना चाहते हैं तो अब आप दोनों प्रोब्स लेकर के एक नॉर्मल वाले भी लगा सकते हैं या क्रोकोडाइल वाले प्रोब भी ले लीजिए, या फिर अगर आपको वोल्टेज और एम्पियर ज्यादा सेट करना है, जैसे यहाँ पे मैं 4 वोल्ट 4.2 सेट कर दिया हूँ और एम्पियर की बात करें तो मैं 5 एम्पियर ही सेट करना चाह रहा हूँ, या कभी आपको ज्यादा भी एम्पियर सेट करना है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 8 एम्पियर तक आप सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं ये शॉर्ट किलर बना रहे हैं हम इनको। अगर आप 5 वोल्ट के साथ 7 एम्पियर 8 एम्पियर लगा लेते हैं तो ये फुल यहाँ पे एम्पियर दे रहा है, वोल्टेज और भी बढ़ा सकते हैं। मतलब ये शॉर्ट किलर वाला ऑप्शन है, तो मुझे 8 वोल्ट तो नहीं देने हैं तो चलिए मैं यहाँ पर 5 वोल्ट ही कर लेता हूँ, 5 एम्पियर ही कर लेता हूँ, 8 एम्पियर नहीं देने हैं मुझे। तो यहाँ पे 5 एम्पियर मैंने सेट कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा ये सेट हो चुका है। तो अब इसमें आउटपुट जैसे मैं दबाऊंगा यहाँ पर, तो अब जैसे यहाँ पे हम इन दोनों प्रोब को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पे ये शॉर्टिंग ले लेगा, चलिए देख लेते हैं ये भी, ये देख सकते हैं और ये गर्म भी होगा, ये थोड़ी देर बाद हाथ लगाएंगे आप तो देख सकते हैं एम्पियर में पूरा लाल कलर ऊपर हो गया। तो इससे हम शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक फोन है जिसके अंदर वी बैट लाइन शॉर्ट है, तो अभी हम इसमें रोजन लगाकर वी बैट लाइन में चेक करेंगे क्या कहीं पे हमको
डैमेज मिलता है या कोई कैपेसिटर या कोई डायोड या कोई आईसी हीट होती है, तो इसको सबसे पहले रोधन लगाएंगे। अगर आप डीसी से चेक करोगे या मल्टीमीटर से चेक करोगे तो भी यहाँ पर आपको शॉर्टिंग मिलने वाली है। तो एक बार मैं यहाँ पर मल्टीमीटर से बता देता हूँ। तो मल्टीमीटर को रखेंगे बजर रेंज में, मल्टीमीटर को ले लेंगे बजर रेंज में। यहाँ पे मैं वीबेट वीबेट चेक करके बताना चाहूंगा। जैसा वीबेट का पॉइंट हमारा एक तो हो गया ग्राउंड, और दूसरे साइड देख सकते हैं यहाँ पे वीबेट। तो ग्राउंड किधर है तो देखना चाहते हैं आप, तो ग्राउंड हमारा है इस साइड में, और वीबेट में अगर आप देखोगे तो 0.007 के आसपास हमको यहाँ पर मतलब बीप के साथ इतने मिलियंस मिल रहे हैं, और तीन जो मिल रहा है ये ग्राउंड के साथ। तो जहां पे ज्यादा हमको ओम्स की मतलब वैल्यू मिल रही है 7 की, ये हमारी वीबेट लाइन है। तो यहाँ पे अभी हम रोजन लगा के अगर चेक करेंगे तो यहाँ से आपका मोबाइल के अंदर कहाँ पे शॉर्टिंग है वो भी आपको दिखेगा। तो मैं ये एलसीडी में लेके जाता हूँ, आपको रोजन लगा के बताता हूँ। तो अगर आपके पास शॉर्टिंग वाले मोबाइल आते हैं तब भी आप इस शॉर्ट किलर से मतलब इस डीसी से शॉर्टिंग भी आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रोजन लगा देंगे और इसी डीसी से वोल्टेज इंजेक्ट करके चेक करते हैं क्या कोई कैपेसिटर हमको मिलता है। तो आप अगर शॉर्ट किलर के ऐसा यूज करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज चार्जिंग का ऑप्शन है या डीसी का भी ऑप्शन है और शॉर्ट किलर का भी ऑप्शन है। बहुत सारा इस्तेमाल हम डीसी का करते हैं, डीसी को हम बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं, बट जरूरत है आपको सीखने की। अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फोन फिक्स HYD ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच 27 सितंबर से हैदराबाद में है, और दिल्ली में अगर जाना चाहते हैं तो 10 अक्टूबर से दिल्ली में है। और अगर ऑनलाइन में सॉफ्टवेयर EMMC UFS का कोर्स करना चाहते हैं तो 27 सितंबर से रात 9 से 11 तक क्लासेस होते हैं 2 घंटे की, 10 दिन की, ओनली 5000 फीस है, वो भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले रोजन लगाते हैं, और रोजन लगा करके इसी डीसी से वोल्टेज देकर चेक करते हैं क्या ये शॉर्टिंग को पकड़ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। इससे पहले भी आपको बताया हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीबैट में इसमें लाइन में शॉर्टिंग जैसा है, ये वीबैट का हमारा पॉजिटिव लाइन है और ये है यहाँ पे ग्राउंड लाइन। तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग है आप देख सकते हैं वीबैट में, और ये जो है हमारी वीबैट की लाइन जो कि इस चार्जिंग एसी के साथ कनेक्ट होती है, तो वीबैट की लाइन हमारी इसी में जाती है। तो हम देखते हैं अभी इसमें शॉर्ट किलर का इस्तेमाल करके के कैसे हमारी ये जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रोजन लगा लेते हैं। तो रोजन लगाने के लिए जैसा आपको पता ही है इस तरीके से आपको रोजन लगाना होता है, दिख रहा होगा। तो कहीं पे भी कंपोनेंट हो सकते हैं इसके, और पीछे साइड भी इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पर CPU साइड में। तो यहाँ पे भी हम रोजन लगा देते हैं अच्छी तरीके से। तो आपके पास अगर से इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो शॉर्ट किलर इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी 4 वोल्ट 5 एम्पियर हमने लगा लिया है, और यहाँ से आप देखिए जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे डायरेक्टली आउटपुट पहले ऑन करना होगा, उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे एम्पियर पूरा 5 एम्पियर तक जा रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे डीसी में बताना चाहूंगा आपको, टीवी में बताना चाहूंगा आपको, इस तरफ उल्टा देता हूं ताकि आपको ये भी दिखे और टीवी भी दिखे। तो ब्लैक कर देते हैं ग्राउंड, और रेड से हम चेक करेंगे। तो ब्लैक ग्राउंड कहीं पे भी लगा देंगे, और जैसे ही मैं यहां पर वीबैट पे चेक लगाऊंगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ धुआं निकला है, और यहाँ पे तो कोई गर्म नहीं हुआ है। अगर पीछे साइड में अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर यहाँ पे जल चुका है। एक और बार रोजन लगाऊंगा इसमें, मैं और बार रोजन लगा कर आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं फिर से मैंने इस कैपेसिटर पे रोजन लगा दिया है, और वापस से यहाँ पे ये लगा देते हैं अभी अपन। तो ग्राउंड यहाँ लगा लेते हैं डायोड पर, हम जैसे इस तरफ तो ग्राउंड है इसका, ये देख सकते हैं डायोड के आउटपुट पे मैंने जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज दिया तो ये कैपेसिटर यहाँ पे पॉप अप हो चुका है। तो इस कैपेसिटर को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, और रिमूव करके हम चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल ऑन होता है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर हमको थोड़ा सा शॉर्ट होकर मिला है। तो चलिए इसको निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए
आप चाहे तो आयरन से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कैपेसिटर मैंने निकाल लिया है, एक बार फिर से चेक कर लेंगे क्या हमारी वीबेट की शॉर्टिंग यहाँ से गई कि नहीं गई। मल्टीमीटर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमको मल्टीमीटर को रख देंगे बजर रेंज में और एक रेड प्रोब ग्राउंड कर दिया हमें। ये देख सकते हैं 200-300 के आसपास वैल्यू आ चुकी है, ये ग्राउंड है इसका। यही चीज़ मैं आपको वीबेट पे भी चेक करके बताना चाहूँगा, जो कि पहले यहाँ पे बीप मिल रहा था तो 350 के आसपास वैल्यू आ गई, ये तो ग्राउंड है। और इस कैपेसिटर को भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये बीप दे रहा है, तो इसको इस तरीके से हमको लगाना है। देख सकते हैं ये कैपेसिटर शॉर्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं 225 के आसपास यहाँ पे जीआर मिल रहा है और कैपेसिटर ग्राउंड के साथ बीप मार रहा है। तो चलिए अभी एक बार मोबाइल को हम ऑन भी कर लेंगे और ऑन करके भी चेक कर लेंगे। तो ऑन करने के लिए हम इसी डीसी का इस्तेमाल करेंगे, तब इसको डीसी बना लेंगे। जैसे अभी यहाँ पे शॉर्ट किलर है तो डीसी बनाने के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे डीसी में, डीसी वाले में चले जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट दबाएंगे तभी यहाँ पे 4 वोल्ट 5 एम्पीयर तो सेट है। आउटपुट जैसे मैंने दबाया यहाँ देख सकते हैं, तो अब हम इसी पावर केबल से इसको ऑन भी करेंगे। तो उसके लिए इसकी बैटरी के जो केबल है वही लेना होगा, बैटरी में जो केबल लगता है। तो चलिए केबल हमको मिल गया है। यहाँ पे एक चीज बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप इस केबल को अगर उल्टा लगाएंगे तो ये रेड बटन हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लगा के आपको बताने की कोशिश करूंगा, देख सकते हैं रेड हो गया है बटन। तो आपको उल्टा लगाना है, इस तरीके से हम उल्टा लगाएंगे और उल्टा लगाने के बाद यहाँ पे आपके पास ठीक है पावर की दबा लेते हैं यहां से। तो ये देख सकते हैं डिस्प्ले का पत्ता थोड़ा सा अच्छे से लगाना होगा, एक बार डिस्प्ले को साफ करके लगा लेते हैं। तो हो सकता है इसमें कुछ फ्लक्स जा चुका है, कुछ फंस गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक पिन इसकी इस तरीके से पलट चुकी है तो ये डिस्प्ले नहीं आएगा इसका। तो ये पिन को हम इस तरीके से घुमा लेते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले में भी थोड़ा सा डस्ट है। इस तरीके का कुछ भी आकर फंस जाएगा तो डिस्प्ले डैमेज हो जाएगा, एक बार अच्छे से साफ कर लेंगे। एक बार ऑन करके चेक करेंगे तो केबल जो था इसका वापस से ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज और एम्पियर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये स्विंग जो है ये एनालॉग टाइप है और ये डिजिटल, दोनों भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे मोबाइल आपका ऑन होगा
तो यहाँ से ये एम्पियर पूरा 1 एम्पियर तक जाएगा और ये यहाँ पर 1 तक पहुंचेगा, मतलब कितना एम्पियर ये ले रहा है, लिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे ये बता देगा 300 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है या 400 एम्पियर कर रहा है, 400 मिली एम्पियर कर रहा है या 300 मिली एम्पियर कर रहा है, मतलब 1 एम्पियर तक जाएगा तो यहाँ पर 1 तक शो करेगा। और जब ये मोबाइल स्लीप मोड में चला जाएगा तो ये स्विंग जो है, जो कांटा है, ये भी नीचे आ जाएगा। देख सकते हैं मोबाइल पूरी तरीके से खुल चुका है, 1 एम्पियर तक कंज्यूम कर चुका है। जैसे ही ये स्लीप मोड में जाएगा देख सकते हैं ये स्विंग भी नीचे आ जाएगी और यहाँ पे भी ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो ये एक डिस्प्ले के अंदर फंक्शन है, जैसे ही स्लीप मोड में जब तक रहेगा तो यहाँ पे ये पूरा जीरो तक नीचे आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी बैटरी का वोल्टेज कंज्यूम नहीं करेगा। ये देख सकते हैं सुई भी इसकी सारी नीचे जा चुकी है। अब जैसे मैं फिर से वापस से मोबाइल को ऑन करूंगा, स्लीप मोड से हटाऊंगा, तो ये सुई वापस से ऊपर जाएगी और यहाँ भी एम्पियर ये कितना कंज्यूम कर रहा है यहाँ पे ये शो कर देगा। ये आउटपुट पे आपको रखना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आपको इस तरीके से शो होगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स अभी आपने देखा इस डीसी मशीन में मैंने बताने की कोशिश की है, यहाँ पे भी आपके एंड्रॉइड के केबल लग जाते हैं, बट ये आपको यूज करना है। इसके साथ जो इन्होंने बूट केबल दिए उसको आपको जम्पर करने हैं वायरों को अच्छी तरीके से, उसका भी सर्किट आता है इस तरीके का। यहाँ पे दो ही वायर है, बट अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो 4-5 वायर आपको कनेक्ट करने हैं, रेड ब्लू ग्रीन। तो दोस्तों ये वीडियो कोशिश की हमने समझाने की, ये बहुत ही अच्छा डीसी मशीन है, आप ले सकते हैं। एक और चीज कहना चाहूंगा, मार्केट में बहुत सारे नए नए टूल्स आते रहेंगे, तो सारे खरीदने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, जो आपको लगता है आपके पास नहीं है। सबसे पहले अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है वो खरीदिए, स्टेंसिल नहीं है तो वो खरीदिए, अगर आपको डबल डेकर के लिए इस तरह का पीसीबी आपके पास नहीं है ग्लू वगैरह क्लीन करने के लिए ये खरीदिए, अच्छे टूल्स खरीदिए, इस तरह के वुडन के टूल्स आते हैं आईसी लिफ्टर आई ग्लू कटिंग के लिए, तो ये सारी चीजें पहले आप खरीदिए। अच्छा ब्रश खरीदिए डबल डेकर वगैरह बनाने के लिए, इस तरह का ब्रश आता है। तो कोशिश करिए आप पहले अच्छे टूल्स रखने की, अच्छे जो आपके रेगुलर टूल लगते हैं वो पहले खरीदिए। टूल बहुत आते रहेंगे फ्रेंड्स, कितने टूल आप खरीद लेंगे, हर 2 दिन में मार्केट में एक नया टूल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप ऐसे वीडियोस देखते हैं कि टूल खरीद खरीद के ही खाली घर सजा रहे हैं, तो आपको आपकी दुकान सिर्फ टूल से नहीं सजाना है, आपको जो आपकी दुकान सजानी है, आपके पास स्क्रैप बोर्ड रहने हैं, आपके पास टूल रखिए, उतने टूल रखिए जितनों से काम हो जाता है, सारा कुछ रखने की जरूरत नहीं है। जितना आप मार्केट में देखेंगे, जितना यूट्यूब पे देखेंगे, जितना आपको डीलर लोग बताएंगे, सारे टूल खरीदने की जरूरत नहीं है। जो एक सेटअप पे रिक्वायरमेंट है, एक लैपटॉप चाहिए अच्छा सा आपके पास, एक अच्छा सा माइक्रोस्कोप, एक अच्छा डीसी मशीन, एक अच्छा आयरन, एक अच्छा असेंबली चाहिए, और स्टेंसिल्स चाहिए, पीसीबी होल्डर चाहिए, और एक अच्छा मल्टीमीटर रखिए। इतने टूल रखिए, पहले काम करिए, काम बढ़ाइए, कस्टमर से पैसे लीजिए, बाद में अगर आपको लगे तो 1 से 2 डीसी रखिए, 2 से 3 अलग अलग डीसी रखिए, क्योंकि मार्केट में हजारों डीसी मशीन है, हजारों एसएमडी है, हजारों माइक्रोस्कोप है। आप सिर्फ वीडियो देख करके टूल बिल्कुल भी मत मंगाइए, पहले देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, अदरवाइज आप पैसा खर्चा लेंगे और आपके पास रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस तरीके के डीसी की, फिर भी आप मंगा लेंगे। अगर आपके पास कोई भी डीसी मशीन नहीं है तब आप ये मंगाइए, अगर आपके पास ऑलरेडी कोराड का, सनशाइन का या कोई भी और डीसी मशीन है तो अभी आप इसको बिल्कुल मत लीजिए, इसका अभी आपको जरूरत नहीं है। हालांकि ऑप्शंस अच्छे हैं, चार्जिंग का जो है, हम नॉर्मल डीसी में भी हम उसको चार्जिंग जैसा यूज कर सकते हैं। ये आपको 11,000 के आसपास पड़ जाएगा, मार्केट में एग्जैक्ट प्राइस आपको डीलर लोग ही बताएंगे, नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से खरीद लीजिए। जो नॉर्मल हमारी कोराड की डीसी मशीन होती है ये आपको मिल जाती है 4,500-5,000 के आसपास, तो ये 11,000 की ये डबल प्राइस है, इतनी महंगी लेने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि एक नया टूल मार्केट में आ चुका था, इसके मैंने बेनिफिट बताए हैं, और ये भी आपको बता रहा हूं कि खाली टूल का वीडियो देख देख कर आपको टूल लेके घर सजाना नहीं है, जितना काम की जरूरत पड़ती है उतने ही खरीदिए, एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अच्छे से कोर्स करना चाहते हैं तो फोनफिक्स हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हैं, 27 सितंबर से बैच है हैदराबाद में। अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो 10 अक्टूबर से बैच है, वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन का सॉफ्टवेयर का कोर्स अगर करना चाहते हैं, इसमें ईएमसी चेंज, यूएफएस चेंज, विदाउट डाटा लॉस कैसे आप ईएमसी चेंज कर सकते हैं, यूएफएस चेंज कर सकते हैं, सारा चीज 10 दिन में आपको सिखाते हैं। ऑनलाइन का जो फीस है ओनली 5,000, लाइव क्लासेस होते हैं, टीचर आपके साथ होते हैं, जूम मीटिंग के थ्रू क्लासेस होती हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कोर्स के अंदर, और ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने किसी एक टेक्नीशियन भाई के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे नए नए वीडियो हम अपलोड करेंगे तो इमीडिएटली आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।